So this is our first video in JEE Advanced Real JEE Advanced Problem Solving Series. आज चीजों को थोड़ा आसान रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं आईने की इक्विलिब्रियम दो प्रॉब्लम्स लेते हैं दोनों सिंगल करेक्ट. आप क्या है पहले आप सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके और सॉल्व करके देखेंगे आंसर आया कि नहीं उसके बाद आप सॉल्यूशन मैच करेंगे. और एक चीज और सिर्फ आंसर आ गया तो स्किप नहीं करना है आपको उसका कंसेप्ट भी देखना है क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट पढ़ना ही हमारा मेन मोटिव है. तो आज एक क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से और एक नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेते हैं. So, ये आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो. मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ या फिर नहीं हुआ एक बार में आंसर आया या नहीं आया. ठीक इससे थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन जेईई एडवांस दो साल पहले आया था वो बेहतर था इससे आई गेस बट फिर भी इससे मिलता जुलता था. वहां भी सॉल्युबिलिटी पूछ रहा था वो हाइड्रोलिसिस करा रहा था एक आंसर. ठीक है होप्स आपका सॉल्व हो गया होगा. अब चलिए इसकी बात करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन. देखो कुछ यहाँ पे चीजें समझनी होगी हमें. MnS की क्या बतानी है प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी बतानी है जिसमें एक आयन सल्फाइड आयन की हाइड्रोलिसिस हो रही है. जाहिर सी बात है जब भी कोई आयन की हाइड्रोलिसिस होती है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. बिल्कुल क्लियर सी बात है ली चैप्टर प्रिंसिपल के हिसाब से आपका रिएक्शन आगे आ जाएगा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. अब एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी अच्छा खासा मैटर करता है. उसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी बहुत बतानी चाहिए. अभी जो MnS है हमने पढ़ा है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा इसका प्रेसिपिटेट आता सल्फाइड का बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ MnS इफ यू रिमेम्बर क्वालिटेटिव एनालिसिस. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. मुश्किल नहीं है उतना ये बट आज स्टार्ट करने के लिए इट इज गुड. तो सीधी सी बात पहले आएगा Mn2+ और सल्फाइड. अब कितना आएगा मान लो चलो S और S आया. अब सल्फाइड का क्या हो रहा है सल्फाइड का हो रहा है आगे हाइड्रोलिसिस S2- हाइड्रोलिसिस कर रहा है. मैं सिंगल एक ही स्टेप का KH1 ही कंसिडर करता हूं. इसका HS- का भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है फर्दर उसमें कोई इश्यू नहीं है. लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम आई'ड से इज ऑल अबाउट टेकिंग वैलिड अप्रोक्सीमेशंस. इफ यू हैव द स्किल ऑफ टेकिंग वैलिड अप्रोक्सीमेशन तो आपका चैप्टर बहुत आसान है नहीं तो घूमते रह जाओगे कुछ नहीं हो पाएगा. तो चलिए देखते हैं. तो H2- क्या कर रहा है हाइड्रोलिसिस कर रहा है. इसकी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी KH1 मान लेता हूं क्या होगी KW बाय ये सल्फाइड का Ka2 अग्रीड. अब Kw 10⁻⁴ और सल्फाइड का Ka2 जो क्वेश्चन में दिया हुआ इट इज ऑल्सो 10⁻⁴ सो इट इज नथिंग बट 1. तो फ्रॉम दिस व्हाट आई कैन एज्यूम इससे मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि ये वाला जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा आगे आ रहा है बहुत ज्यादा हद तक ही आगे आ रहा है एक तरह से ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल टाइप मैं इसको ट्रीट कर सकता हूं क्योंकि KH ठीक ठाक बड़ी है. इसकी जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है KSP छोटी है लेकिन फिर भी सॉल्युबिलिटी ठीक ठाक बढ़ जाएगी. देखो बात तो ये है सॉल्युबिलिटी ठीक ठाक बढ़ जाएगी बिकॉज आपके पास जो सल्फाइड आयन है वो अच्छा खासा एक्सटेंट में हाइड्रोलिसिस कर रहा है. तो मैं ऐसा मान लेता हूं सेकेंड वाले रिएक्शन कि ऑलमोस्ट चला गया इरिवर्सिबल. तो मान लो ये सल्फाइड ऐसा आया था तो ये पूरा खत्म हो गया पूरा खत्म हो गया तो पूरा क्या बन गया पूरा बन गया ये SH-. तो मान लो ये एस था ये मान लो पूरा खत्म हो गया और ये बन गया एस ये भी बन गया S, ये भी पूरा खत्म हो गया. क्या जीरो लिख दे जीरो नहीं लिखते हैं उसको A लिख दो विच इज वेरी लेस A लिख दो उसको बहुत छोटा है A मान लो बहुत छोटा है जीरो लिख दोगे तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इधर नॉट डिफाइंड हो जाएगी ना. तो ऐसा तो नहीं करते बहुत छोटा है A तो हमने रिएक्शन को ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल कंसिडर कर लिया तो ये भी S हो गया ये भी S हो गया और ये काफी कम हो गया. तो इतना अगर अप्रोक्सीमेशन आपको समझ आ गया क्यों बढ़ा लिया कि KH1 इसका काफी बड़ा रहा, वन आ रहा है विच इज ठीक ठाक बड़ा. तो अब मैं बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकता हूं. इधर से मुझे दिख रहा है कि S²/A इज इक्वल टू 1 मींस S² इज इक्वल टू A और जैसे KSP दिया हुआ है S into A S इज अवर सॉल्युबिलिटी डोंट फॉरगेट S into A इज 2.5 × 10⁻¹. And S² is A, so in place of A, I can write S²
एंड आई विल गेट एस क्यूब इज इक्वल्स टू 2.5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 10। और सिंपली आप इसको अगर सिंपलीफाई कर ले, देखो हेल्प के लिए वैल्यू भी दी हुई थी, इधर से चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होंगी, तो योर आंसर विल कम आउट ऑफ दिस सॉल्यूशन। होप सो आपको समझ आया हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम रेलेवेंट चीजें पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि जेई एडवांस 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 बोलते हुए अब जबरदस्ती की चीजें पढ़ रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं। हम रेलेवेंट चीजें पढ़ेंगे बार बार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत उटपटांग चीजें पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। तो हर क्वेश्चन हमारा बिल्कुल एडवांस रेलेवेंट होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको किस तरह की चीजों को करना है। दिस वॉज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दो क्वेश्चन ही करेंगे आज। ये दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल फ्रॉम द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड। इजी है ये क्वेश्चन। अगर आपको ओजोनोलिसिस का थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। पॉज करें वीडियो, सॉल्व करें। ठीक नाउ अब अपना सोल्यूशन का आंसर चेक करें। ये एक इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, पिछला वाला सिंगल करेक्ट था, ये इंटीजर टाइप। तो अब देखो ओजोनोलिसिस का आपको तरीका पता होगा, आपको डबल बॉन्ड्स को क्या करना चाहता है, खचा 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 काटना, ठीक है, डबल बॉन्ड काटना, प्रोडक्ट देखना, इधर काटो डबल बॉन्ड, ये हटाओ। आप थोड़ा बहुत सोचना, मैं पूरा बना के नहीं बताने वाला, ठीक है, देखोगे आप। इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से ये कटा, इधर से ये कटा, इधर से ये कटा, काट दो सबको, लग रो सी डबल बॉन्ड हो जाता है। अब अगर इधर ध्यान दो, ये वाले पोर्शन को ध्यान दो, चलो ये सी डबल बॉन्ड हो गया जरूर, लेकिन ये कोई कायरल सेंटर तो है नहीं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट इधर मिला। ये बीच वाले को ध्यान दो, इसमें ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्यों, ये कायरल कार्बन आ गया, ये कायरल आ गया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव एक इधर से मिला, ठीक है। हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, तो इधर से ये प्रोडक्ट आया ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन हाँ इसके अराउंड आपको ज्योमेट्री चेंज होती हुई नहीं मिलेगी, मतलब ज्योमेट्री बोल रहा हूँ मैं, कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको एक ही काउंट करो, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, एक कप काउंट करें, दो कप काउंट करें, इसको एक ही काउंट करो, बिकॉज आप अगर उसको ऐसा करके तोड़ रहे हो, और मैं स्पेसिफिक इसी कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, उसमें वेज डैश नहीं, वो वेज फिक्स करके लिख दिया है क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए फिक्स करके लिख दिया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको इसके अराउंड काइरल एक मिला, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ है, लेकिन क्या इसका इनेंचियोमर भी बना है रिएक्शन में, नहीं बना, बी वेरी क्लियर विद दिस। अब इधर आओ, इसको उड़ा रहा हूं मैं, तो मुझे ये वाला कार्बन काइरल देख के लग रहा है कि है, बट वो है नहीं, क्योंकि ये भी सी डबल बॉन्ड ओ है शायद, देखो सी डबल बॉन्ड ओ इधर भी है और इधर भी आपको मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ, तो दिस इज नॉट काइरल, बट ये जो कंपाउंड बन रहा है ये वाला कार्बन अगर ध्यान से देखें, तो इस कार्बन में यहाँ पे आपको CH2 सी डबल बॉन्ड ओ मिल रहा है, इधर पे CH2 और ये अलग रास्ता इधर है, और इधर भी अलग रास्ता और एक H है, तो ये काइरल आपको मिल रहा है कार्बन एक, इधर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। उसके बाद अगर इधर नीचे आ जाओ तो ये तो कुछ नहीं, बकवास है, यहाँ कोई काइरल नहीं, तो ये एक प्रोडक्ट बीच में आपको मिलेगा, इधर वाला, ये इधर वाला प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ये एक्टिव होगा, ध्यान से देखें बिल्कुल अच्छे, समझ नहीं आए तो भी कमेंट में बताएंगे। तो अगले सेक्शन में जब अपना अगला पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें अपन इसको भी समझा देंगे एक बार, अगर समझ कोई चीज नहीं आएगी, ठीक है, ऑनेस्टली बिल्कुल काम करेंगे, पक्का आपका मार्क्स आपका इनहेंस होगा एग्जाम में। अब इधर साइड में आ जाओ, हाँ ये तो सीधा दिख रहा है ये काइरल है, लेकिन फिर से बता दूं ये फिक्स करके दिया हुआ है, फिक्स करके दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स पूछ रहा है, तो ये क्या है एक्टिव काइरल। सो व्हाट विल बी द आंसर, यहां से एक आया, इधर से एक आया, इधर से एक आया, तो आंसर इज 3। सो होप यू हैव लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो एडवांस के एस्पिरेंट्स हैं, नॉट फॉर दोस्त जिनको बेसिक लेवल की पढ़ाई करनी है, उनको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, आई एम अगेन रिपीटिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे दो नए क्वेश्चंस के साथ, वो क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं।